किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में रहा करनाल का बस्ताड़ा टोल किसानों के स्वागत के लिए सजकर तैयार हो गया है। दिल्ली से पंजाब को जाने वाले किसानों के लिए यहां लंगर पानी और तरह तरह के पकवानों की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए देसी घी की जलेबी, रसगुल्ले, खीर आदि तैयार किया गया है और उनके स्वागत के लिए स्वागत किट बनाए गए हैं। टोल पर फूलों की वर्षा के साथ किसानों का स्वागत किया जाएगा। दोपहर बाद हरियाणा किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी बस्ताड़ा टोल पर पहुंचेंगे और रात को यहीं पर रुकेंगे। किसानों का कहना है कि उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है और आने वाले समय में इस आंदोलन को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। किसान अपनी जीत के बाद फूले नहीं समा रहे और नाच गाकर भंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। टोल है, ये मेरे भी अध्यक्ष में चल रहा था, बाकी जो हरियाणा कार्यकारिणी है उसका मेंबर हूँ। तो क्या तैयारियां हैं, आज किसान आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी जीत हुई है किसानों की। देखिए, साल एक साल में से भी ज़्यादा समय लग गया, किसान जीते हैं और जो जालिम सरकार थी, अहंकारी सरकार, उसने नीचा देखना पड़ा। उसने माफ़ी मांगी किसानों से और अपने काले कानून वापस लिए और जितनी भी मांगे थी, चाहे वो केस वापसी की थी, चाहे वो मुआवजे की थी या उनके रोजगार की थी, पराली वाला था, बिजली वाला था, सभी मांगे मानी। और आज किसान अपने जश्न मनाते दिल्ली से चल रहे। आज यहाँ आप देख रहे होंगे एक मेले जैसा माहौल हो रहा, स्टेज लग रही, स्वागत करेंगे उनका। दो क्विंटल तो फूल धरे ले आए, फूल बरसाएंगे। चुनुनी साहब भी बाद दोपहर यहाँ पहुँचेंगे, नेक्स्ट स्टे भी आज यहीं है उनका। और भंडारा चल ही रहा, एक साल से चल रहा हमारे टोल पा। ये एक ऐसे जी टोल के ऊपर टोल है जो इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल सभी यहाँ लंगर लेकर जा रहे। भगवान की दया से, गुरु की कृपा से लंगर दिन रात चल रहा, तो बहुत खुशी है किसानों में। किसानों ने एकता जुट दिखाई, सबसे बड़ा भाईचारा जुट है जो बने रहा है हमारा पंजाब हरियाणा का, ये सबसे बड़ी बात है। और ये भाईचारा अब रिश्तेदारियों में भी तब्दील होने लग गया, तो इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सका किसान को। एक जो अहंकारी सरकार थी वो आ रही और किसान भी। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूँ।